नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केजरीवाल ने माफी मांगी है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से। अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है। आपको बता दें कि मानहानि केस में केजरीवाल का ये माफीनामा सामने आया है। पटियाला हाउस कोर्ट में केस वापस लेने की अर्जी दी गई है और दोनों पक्षों की तरफ से ये अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में गडकरी का नाम डाला था, उन पर तमाम आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने उनसे माफी मांगी है। और चलिए आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर कब कब माफी मांगी है। नितिन गडकरी से केजरीवाल ने माफी मांगी साल 2018 में। 2014 में गडकरी को भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में शामिल किया था अरविंद केजरीवाल ने। अवतार सिंह भड़ाना से भी साल 2014 में माफी मांगी थी। उसके बाद केजरीवाल ने भ्रष्ट लोगों की लिस्ट में इनका भी नाम शामिल किया था। भड़ाना ने पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज भी किया था।